चेहरा से हम पहचानते थे, लेकिन हम बाद में पता चला कि वो दो आदमी जो है उनके बाद में बाद में उनके बारे में नाम के बारे में पता है। नाम क्या था? पता चला कि सुशील कुमार सिंह बाजरेपुर थाना प्रभारी और मुफस्सिल थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार सिंह। हाँ, तो हम इस बाद में हम चले, हम चेहरा से देख रहे थे उनको। तो उन लोगों ने दबाव बनाया कि मूर्ति को आगे बढ़ाओ। तो ये लोग अभी आपस में कार्यक्रम कर रहे थे, सेक्रेटरी अध्यक्ष प्रेसिडेंट जो होते हैं सब कर रहे थे कि ठीक है, हम बात को मानते हैं, एक बार हम बड़ी दुर्गा जी से हम बात कर लेते हैं, क्या बात है, हम उसके बाद हम चलेंगे। तो उसी दरमियान उनको कहीं से देखे कि फ़ोन आया, और फ़ोन शायद पुलिस कप्तान का था, मैडम मैडम करके लोग बोल रहे थे। तो देखे क्या कि उनको आदेश मिला कि शायद दंडनात्मक कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए, दबाव को थोड़ा सा प्रेशराइज किया जाए। तो फिर उन लोगों ने बिना किसी अग्रिम चेतावनी दिए हुए हवाई फायरिंग न करके एक तो हवाई फायरिंग शुरू में किया, पब्लिक लोग भागने लगा, फिर उन लोग पब्लिक पर गोली चला, जिसमें जो हमारे पास में वो नौजवान खड़ा था, तो जो नौजवान खड़ा था वो मुश्किल से 15-16-18-20 का लड़का था, तो उसको यहाँ भेजा पर गोली लगा, माथा बाहर हो गया। हम देखे, हमने वो गिर गया। तो फिर उसको जो सीन देखे हम, तो हम वहाँ से हट गए, शायद लिपि सिंह हट गया, वो सीन जैसा था। तो उसके बाद वो लोग फिर और फायरिंग करते चले गए, लगभग उसमें से हमको लगता है कि 5-6 को तो गोली हमने लगते देखा, जिसमें कि 4 आदमी 5 आदमी तो यहाँ है अंदर है, और उसमें मेरा एक भांजा भी था जिसको कि यहाँ भी गोली लगी है और पीछे भी गोली लगी है। यहाँ पर अस्पताल लेकर आए थे या डॉक्टर या पुलिस वगैरह? एक तो प्रशासन ने तो हमने देखा कि वो तो खैर चलो मर गया, वो तो बाहर हो गया था, वो कंप्लीट खत्म था, लेकिन जिसको जिसको गोली लगा प्रशासन करीबन हमको लगता है कि दोनों थाना प्रभारी के साथ साथ में लगभग 25-30 के संख्या में वो वो लोग चाहते हैं तो कम से कम हॉस्पिटल पहुंचा सकते थे, लेकिन मानवता को तार तार उन्होंने किया है, बात किया है कि शायद उन लोगों का आदेश मिला कि छोड़ दो सारे को, भाई है, भतीजा है, मामा है, चाचा है, काका है, हम लोग मानवता के नाते हमने पहचाना, उठा उठा के सबको टाली पर लाद के साइकिल पे मोटरसाइकिल पे कंधा पे जैसे हुआ, जो मरा हुआ है उसको तो भाई यहाँ पर यहाँ का प्रशासन यहाँ का जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए किए हैं। और भैया आप मीडिया प्रभारी हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के माध्यम से हम DGP बिहार, मुख्यमंत्री बिहार और प्रधानमंत्री भारत सरकार तक आपके माध्यम से हम खबर भिजवाना चाहते हैं कि थाना प्रभारी, दोनों थाना प्रभारी को अविलंब बर्खास्त करते हुए होना चाहिए। एक लेना।